नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। जमुआ थाना क्षेत्र के बिरहाबाद के 40 वर्षीय व्यक्ति की वज्रपात से हुई मौत। खेत में काम करते समय टूटा आसमानी कहर। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सभी सीएसपी संचालक मिले थाना प्रभारी से लूटपाट की घटना के मद्देनजर की सुरक्षा की मांग। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरडिया में पिछले रात हुई दुकान में चोरी। सामान के साथ गल्ले से 17,000 रुपए नगद ले उड़े चोर। और प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 1200 फुटपाथी दुकानदार का सर्वे रिपोर्ट तैयार किया गया। सबों को दिया जाएगा आईडी कार्ड। और अब खबरें विस्तार से। जमुआ थाना क्षेत्र के बिरहाबाद के 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत वज्रपात के चपेट में आने से हो गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिरहाबाद के 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत वज्रपात से हो गई। बताया गया कि त्रिभुवन दास अपनी माँ व पत्नी के साथ खेत में काम कर रहे थे। कार्य के दौरान अचानक 12 बजे दिन खेत के पास आसमानी कहर टूटा, जिसके जद में आ जाने से त्रिभुवन दास की मौत मौके पर ही हो गई। हालांकि परिजनों के हो हल्ला मचाने पर आसपास के लोग जुटे और 108 एम्बुलेंस से त्रिभुवन को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर शव का पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाम त्रिभुवन दास है, पिताजी रामन दास, ग्रामपुर बिरहाबाद थाना जमुआ जिला गिरडे का निवासी है। एक मजदूर है, खेत में हल चला रहा था और जो उसका माँ भी वही थी, उसका पत्नी भी वही थी। ये हल खोल के घर तरफ आ रहा था, उसी दरमियान वज्रपात हुआ। अब वज्रपात होने बाद ही बेहोश को गिर गया और गिरने बाद फिर से होश नहीं। उसके बाद जो उठा के घर लाया, तुरंत फोन किए 108 में, गाड़ी तुरंत पहुँच गई। उसके बाद तुरंत प्रयास सदर अस्पताल यहाँ आने बाद निर्मित हो गया। बेंगाबाद क्षेत्र के सभी सीएसपी संचालक थाना प्रभारी से मिले और सुरक्षा की गुहार लगाई। लगातार हो रहे लूटपाट को लेकर सभी सीएसपी संचालक थाना प्रभारी से मिलकर वार्तालाप कर अपनी समस्या बताई। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चल रहे सीएसपी शाखा के संचालकों ने थाना प्रभारी प्रशांत कुमार से लगातार हो रहे लूटपाट से सुरक्षा के लिए अनुरोध किया। थाना प्रभारी ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया। मौके पर श्रीकांत गुप्ता, चंदन राणा, जयप्रकाश वर्मा, भैयालाल मुर्मू समेत कई लोग उपस्थित थे। मामला है क्या कि जैसे 3 दिन पहले कचरा कहाँ फूल के पास मेरे साथ छिलका ही हुआ था, 1,81,000 रुपये का। वही बड़ा बाबू के साथ आए थे अपना परेशानी को रखने के लिए। वो बोले कि सुरक्षित रहना है और अपना टाइमिंग चेंज करके आना जाना है। मामला वो जगह में हम लोग लगे हुए हैं। जैसे मामला सब सीएसपी का है, जो छिनतई हो रहा है, उसी को लेकर हम लोग प्रशासन से हम लोग आज मिले और उनसे हम लोग अपनी बात रखें कि जो आपकी गश्ती गाड़ी जाती है उसमें सभी सीएसपी में एक बार उनकी गाड़ी रुकनी चाहिए। जैसे क्या होगा, जो भी आदमी जो आता जाता है उसको मन को भयभीत है कि प्रशासन की गाड़ी उनके पास रुकती है। प्रशासन ने हम लोग को आश्वासन दिया कि जो मेरी गाड़ी जाती है वहाँ रुकेगी, आप लोगों को देखा भी जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। दिनों दिन इस तरह से हम लोग सीएसपी संचालक सब सब टारगेट हो रहे हैं, के लिए आज हम लोग थाना प्रभारी से मिले। उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिए कि जहाँ तक होगा हम लोग आप लोग के साथ हैं और जो भी हो रहा है उसमें कमियाँ करने का कोशिश करेंगे। और हम थाना प्रभारी से, हम लोग जितने भी सीएसपी हैं संचालक हैं, उनसे हम लोग यही अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सर आप लोग, आपकी गाड़ी जो पेट्रोलिंग गाड़ी है, अगर गश्ती में जाती है तो कृपया कर आप जो है जितने भी हमारे सीएसपी जो है रोड के किनारे पे चल रही है, संचालित हो रही है, वहाँ पे जाके थोड़ा रुकें 5-10 सेकेंड। उससे क्या होगा कि आसपास के जो भी लोग हैं भयभीत रहें कि नहीं, प्रशासन भी इस सीएसपी संचालक के साथ में है, सीएसपी के साथ है। छोटकी खरडिया निवासी राजेश कुमार ने अपने दुकान में हुए चोरी की सूचना बेंगाबाद थाना में दी है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छोटकी खरगड़िया निवासी राजेश कुमार ने पिछली रात हुए अपने दुकान में चोरी की घटना की सूचना थाना में दिया। उक्त आवेदन में कहा गया कि 20 जुलाई 2020 को पहले की तरह रात को दुकान बंद करके अंदर सो गए। सुबह 5 बजे उठकर देखा तो उनके दुकान के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। दुकान के अंदर जाकर देखने पर पता चला कि दुकान में रखे सामान के साथ साथ पीतल का तराजू और गले में रखे 17,000 रुपए गायब हैं। एक दर्द थाना प्रभारी को आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। देखिए, आज जिस तरह हर रात को हम घर दुकान बढ़ाकर सो जाते हैं, उसी तरह आज भी रात को बढ़ाकर सो गए थे और चोर ने आया और वहाँ कुंडी को तोड़ दिया सफल से और दुकान में अंदर प्रवेश कर गया और यहाँ पर सारा सामान जो बीच का है वो सब ले गया है और तोलने का तराजू ले गया है। मेरा एक गाड़ी है जो लोन में लिए हैं, उसको किस्त हर महीना 3 तारीखों को जमा करना पड़ता है। वो किस्त के लिए हम 17,000 रुपये रखे हुए थे यहाँ पर गले में। हम जितना भी होते हैं कमाई का पैसा सब दुकान में ही रखते हैं और चोरों ने 17,000 रुपये ले गया यहाँ पर से और सारा कागजात, कुछ जो पैसा था जिस बैग में उसमें थोड़ा सा कागज भी था, वो कागज भी ले गए हैं। नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत सर्वे अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 1200 फुटपाथी दुकानदारों का सर्वे रिपोर्ट तैयार किया गया। नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत पिछले दिनों सर्वे अभियान चलाकर लगभग 1200 फुटपाथी दुकानदारों का सर्वे रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसके द्वारा वे कार्ड से ऑनलाइन स्टैंड अप इंडिया या उदय मित्रा वेबसाइट पर 10,000 ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसे बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त होगा। लेकिन बात यह है कि सभी आवेदक का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रहना जरूरी है। सरकार के द्वारा यह योजना लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए फुटपाथी विक्रेता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया गया है, जिससे 10,000 का क्रियाशील पूंजी लेकर अपना कार्य कर सके। यह बात सिटी मैनेजर राजकुमार ने बताया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि ये जो स्कीम है, यह स्पष्ट रूप से है कि लॉकडाउन के दरमियान में जो कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले, इसके लिए जो संयम का परिचय दिया गया पथ विक्रेताओं के द्वारा, तो वो लोग कम आय ग्रुप के लोग हैं, तो इस दरमियान में क्या है कि वो लोग अपना पूंजी जो बचा हुआ था उसका वो लोग अपना भोग कर लिए। तो सरकार का ये मानना है या सोचना है कि वो जो उनके पास वर्किंग कैपिटल, जिसको क्रियाशील पूंजी कह रहे हैं, वो समाप्त हो गया होगा या उनको पैसे की दिक्कत होगी कार्य मैंने कि वर्किंग कैपिटल की, तो उनको लोन के रूप में 10,000 रुपया का इस योजना के तहत लोन देने का प्रोविजन है। ठीक है, इस वजह से ही जो है सो उन लोगों का अभी सर्वे किया गया था तो वो सर्वे है कि हमारे यहाँ इतने स्ट्रीट वेंडर्स हैं। अब इस योजना में क्या है कि जो उदय मित्रा पोर्टल या स्टैंड अप इंडिया जो आप समझते होंगे, उस पर कोई भी आदमी जाकर जो स्ट्रीट वेंडर है वो अपना फॉर्म अपलोड कर सकता है, बशर्ते उसके पास दो चीज़ें कम से कम होनी चाहिए। पहला, आइडेंटिटी कार्ड जो नगर निगम के द्वारा सर्वे के बाद मिला है उन लोगों को, और दूसरा कि अगर 20 मार्च 2024 तक की हैं, जो अभी न्यू सर्वे में नए ऐसे वेंडर आए जिनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला या पहले वो सर्वे नहीं कराए थे, तो उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए जो नगर निगम देगी यहाँ पे टाउन वेंडिंग कमेटी का मीटिंग के उपरांत। ठीक है, तो इसलिए अभी उनको दो चीज़ बैंक को देना है। तो जिनके पास आई कार्ड है वो चाहे तो अपने से उदय मित्रा पोर्टल पे जाके लॉगिन करके अपना लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑनलाइन अप्लाई के लिए उनको आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। पूर्वी जमुआ में 4 दिनों से बिजली गुल है। बिजली विभाग की लापरवाही से वहां के ग्रामीण काफी परेशान हैं। जमुआ प्रखंड के पूर्वी छोर में पिछले 4 दिनों से बिजली गुल है। बिजली विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि अभी तक इस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। बिजली नहीं रहने के कारण लोगों का मोबाइल बंद है, लोग रात रात भर गर्मी में परेशान हैं। यह हालत आज का नहीं है, हल्की भी बारिश में बिजली काट लिया जाता है, लेकिन बिजली विभाग बिल भेजने में देरी नहीं करता। भाजपा नेता महेंद्र वर्मा ने कहा कि जब से हेमंत सरकार आई है, बिजली की लचर व्यवस्था से जनता बहुत परेशान हो रही है। बिजली नहीं रहने के कारण बच्चों का ऑनलाइन क्लास बाधित हो रहा है। अखिल भारतीय ओबीसी महापरिवार के अध्यक्ष दुर्योधन प्रसाद ने बिजली की समस्या दूर करने के लिए अनुरोध किया है। सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में जब से सरकार का गठन हुआ है, तब से झारखंड में बिजली की स्थिति सबसे दयनीय हो गई है। कभी
घंटा दो घंटा बिजली नसीब होती भी है, लेकिन आज चार दिनों से लगातार इस क्षेत्र में बिजली गायब है। आज पूरे लॉकडाउन के दौरान स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, बच्चे घर में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज डिजिटल कंटेंट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल चार्ज करने का कोई साधन नहीं है, जिसके चलते सारे मोबाइल गांवों में बंद पाया जाता है। अब सोच सकते हैं कि उन बच्चों का भविष्य जो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी अपना कुछ शिक्षा का व्यवस्था करके और लोग पढ़ रहे थे, वो भी आज सारा बंद है। ऐसे परिस्थिति में हम हर तरह से, हमारे क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग प्रभावित हुए हैं बिजली से, और सरकार का इस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है। लगातार लोगों की मांग हो रही है कि कम से कम बिजली व्यवस्था सुधारी जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर आज तक कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है सरकार। मेरे क्षेत्र में चार दिनों से बिजली गुल है, हर कोई परेशान है। आज के समय में सबको मोबाइल पर डिपेंड है, मोबाइल बंद है तो कैसे होगा? ना ही भी लोकल विधायक इस पर पहल कर रहे हैं, न प्रशासन। राज्य सरकार को इस पर बहुत सख्ती से काम करनी चाहिए, तो सरकार अभी तक कर नहीं रही। सारे बच्चे पढ़ने उड़ने में बहुत तरह की परेशानी हो रही है। आज के सरकार डिजिटल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो डिजिटल कैसे मोबाइल से पढ़ाई होगा सो बताइए। मैं जमुआ प्रखंड के सियाटार पंचायत से हूँ। यहाँ चार दिनों से बिजली गुल है। हम झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग को डिजिटल क्लास के प्रत्येक दिन वीडियो भेजे जाते हैं। लाइन नहीं रहने के कारण मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है, जिससे हम लोगों को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, और हमारे छोटे छोटे भाई भी हैं जिसको पढ़ने में भी और समस्या होती है। सरकार इस पर जल्द पहल करे। तीसरे मुख्यालय में जिला पंचायत पदाधिकारी ने मुखिया व पंचायत कर्मियों के साथ मंगलवार को एक बैठक की। बैठक में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। तीसरे मुख्यालय में जिला पंचायत पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद ने मुखिया व पंचायत कर्मियों के साथ बैठक कर 15वीं वित्त योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर जल संचय की योजना व मुख्यमंत्री के गरीब रोजगार कल्याण अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने पर कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में श्री प्रसाद ने कहा कि 25 अक्टूबर तक युद्ध स्तर पर सोकपीट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्ट धरातल पर उतारना है। प्रखंड के सभी पंचायत, सरकारी भवन, पंचायत भवन, स्कूल, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना है। पंचायत के सभी सरकारी व सार्वजनिक चापनल में सोकपीट बनवाना है। यह योजना 25 जून से 25 अक्टूबर तक चलाना है। जिले के सभी प्रखंड में 70 से 80 लाख रुपए खर्च करने का टारगेट है। बैठक में मुख्य रूप से सीओ रोशन कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्रीकांत कुमार, बीपीओ महबूब आलम, मुखिया राजेंद्र साहू, मोनिका मरांडी व अन्य रोजगार सेवक उपस्थित थे। पंचायत सचिवों के साथ यहाँ पर बैठक थी प्रखंड स्तर पर, जिसमें 15वीं आयोग की जो राशि आई है उससे कुछ कार्य कराना था और जल्दी में कराना है, क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब रोजगार कल्याण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो प्रवासी मजदूर आए हैं बाहर से उन लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात है। और सरकार का कुछ 15वें वित्त आयोग में गाइडलाइन आया है, जिसमें सॉकपिट का निर्माण कराना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराना है, नापेड कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट, ये चार चीज़ प्राथमिकता के आधार पर चार तरह की योजनाएं करानी है। और ये जो योजनाएं हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये सॉकपिट का, ये जितना भी सरकारी भवन है पंचायत के अंदर, स्कूल है, आंगनवाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, सामुदायिक भवन है, तो इन जगहों पे कराया जाएगा इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ताकि जो बरसात का पानी है वो छत पे जो गिरता है तो वो बर्बाद हो जाता है, वो बर्बाद ना हो करके उसको पाइपलाइन से डाउन पाइप से गड्ढे में डाल देगा, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेगा। और जो सॉकपिट है वो पंचायत और गाँव में जितने भी सरकारी चापाकल हैं या सार्वजनिक चापाकल हैं जिसका उपयोग सारे लोग करते हैं, वहाँ पे वो बना के सॉकपिट और उस पानी को उसमें डाइवर्ट करके उसमें डाला जाएगा, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज हो, ये सब बताया गया है। और पैसा करीब करीब हमें हमारे ज़िले में प्रत्येक दिन 14 फिनांस और 15 फिनांस मिला करके 80 से 90 लाख रुपया खर्च होना है, जो हम लोगों को टारगेट मिला हुआ है। इसीलिए हम लोग यहाँ हम आए हैं यहाँ पे कि ताकि सारे मुखिया को और पंचायत सचिव को बता दें कि ये जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो चलाया जा रहा है, ये 20 जून से शुरू हुआ है और 25 अक्टूबर तक चलेगा।
शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। प्रसव के दौरान अस्पताल में भर्ती कराकर लड़का फरार हो गया। पीड़िता ने महिला थाना आरक्षी अधीक्षक व उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शादी का झांसा देकर बरगंडा निवासी राहुल कुमार सिन्हा पीड़िता जागृति कुमारी बनियाड़ी निवासी के साथ यौन शोषण करता रहा। पीड़िता के मना करने पर वह शादी का प्रलोभन देता रहा। इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई, लेकिन उसने यह बात अपने अभिभावक को नहीं बताई। 14 जुलाई को राहुल कुमार सिन्हा शिवम हॉस्पिटल में भर्ती कराकर भाग गया। जाते जाते पीड़िता के पिता को सूचित कर गया। वहीं पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। शाम 6 बजे राहुल के पिता अपनी बेटी के साथ अस्पताल आए और गाली देते हुए मोबाइल पटक कर सबूत नष्ट करने का प्रयास किया। खबर सुनकर पीड़िता के पिता अस्पताल आए, तब पीड़िता ने सारी बातें बताई। पीड़िता ने संबंध में महिला थाना आरक्षी अधीक्षक एवं उपायुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन, हमारी बेटी हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, लेकिन हमको हॉस्पिटल में पता चला कि हमारे बच्चे का 4 साल से शोषण हो रहा था। राहुल कुमार सिन्हा, उनके पिता देवेंद्र कुमार सिन्हा, राहुल कुमार सिन्हा जो है सो मतलब अक्सर मेरे घर आया जाता करते थे, लेकिन हमारे अनुपस्थिति में। हमारी पत्नी ने है, पत्नी हमारी आज 6 साल पहले एक्सपायर हो गई है। मामला इन लोगों का प्रेम प्रसंग का था। कितने दिनों से चल रहा था? 4 सालों से मतलब कि इन लोगों का था। हमने मना भी किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। अभी क्या हुआ? अभी जो है सो मतलब कि हमारे घर से लड़का, हमको जानकारी नहीं है कि बच्ची हमारी प्रेगनेंट थी। हमारे घर से बच्ची को राहुल कुमार मतलब लाकर शिवम नर्सिंग होम में एडमिट किए और यहाँ डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद हमको राहुल कुमार जो है सो फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, आप आइए। लड़का, लड़का के पिता और लड़का की बहन, ये तीनों फरार हैं। हॉस्पिटल में आकर के हमारी बच्ची का मोबाइल तोड़ दिया, हमारी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया ये लोग बेहोशी की हालत में। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसका जो उचित न्याय हो, न्याय किया जाए। हम गरीब आदमी हैं, सरकार से चावल मिलता है वही खाते पीते हैं, प्राइवेट काम है हमारा। हॉस्पिटल का बिल मतलब कि 50,000 से ऊपर है, अभी हम देने में असमर्थ हैं। बच्ची को डिलीवरी हुई है, अब उस बच्ची का और दोनों का मतलब क्या होगा? अब प्रशासन जो मतलब कि करे, प्रशासन के ऊपर ही हम डिपेंड हैं। बस इतना ही न्याय चाहते हैं कि बच्ची को न्याय मिले। दिन ब दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रहा है। इस संबंध में माले व भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की मांग की है। कोरोना धीरे धीरे खतरनाक रूप ले रहा है, इससे लोग भयभीत हैं। संक्रमित लोगों की मौतों की रफ्तार जिस प्रकार से बढ़ रही है, इससे झारखंड सरकार काफी चिंतित है। जिस तरह अनलॉक 1 में लोगों को सुविधा दी गई थी, कोई भी व्यक्ति या विभाग खरा नहीं उतरा। अक्सर बाजार में घूमने वाले लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ना ही कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, जिससे कोरोना का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। जिसे देखते हुए माली नेता राजेश सिन्हा और भाजपा नेता सदानंद प्रसाद वर्मा ने सरकार से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की है, ताकि आने वाले समय में इस महामारी से कम लोग प्रभावित हो और लोगों को इससे बचाया जा सके। जिस प्रकार कोरोना का महामारी लगातार बढ़ रहा है, झारखंड में भी, पूरे भारत के साथ झारखंड में भी, इसमें कैबिनेट की जो बैठक होनी है उसके अनुसार से फिर से निर्णय लेना है। तो हम चाहते हैं कि ये निर्णय हो कि लॉकडाउन फिर से लागू हो, लेकिन इस बात का भी सरकार को ध्यान रहे कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब हैं, उन पर भी विशेष ध्यान रखे कि उनको कैसे पूर्ति किया जा सके। क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, वो पूरा खराब हो गया है और लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं, त्राही माम मचा रहे हैं। तो कुछ चंद लोगों को फ़ायदा होता है, बाकी जो गरीब मजदूर लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो उस पर विशेष एक ध्यान दें। बाकी हम लोग साथ में हैं और लोगों को देखते होंगे, सरकारी विभाग हो चाहे वो प्राइवेट विभाग हो, हर एक तरफ कोरोना को लेकर उतना सजग नहीं है। अगर सरकार कह रही है मास्क पहने, तो वो अपने बचाव के लिए नहीं कर रही, आपके बचाव के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए पूरे मार्केट में धड़ल्ले से जो मन कर रहा है सो कर रहे हैं। फिर इस पर कंट्रोल, एक विशेष कंट्रोल होना चाहिए और कंट्रोल लगातार इस झारखंड में भीड़ में लगातार ये तादाद जो
कोरोना बीमारी के पेशेंट जो बढ़ रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि झारखंड सरकार खुद क्वारंटाइन हो गया है, मंत्री को क्वारंटाइन हो गया, विधायक क्वारंटाइन हो गया है। इस स्थिति में जनता क्या करेगा, ये तो ये लगातार शुरू से देख रहे हैं कि यूपी और बिहार के सरकार ने सभी प्रवासी मजदूर को खाता में पैसा देने का काम करते हैं। यहाँ के झारखंड सरकार आज तक कोई प्रवासी को पैसा नहीं दिए हैं, और जो भी लोग बाहर से आए हैं वो नियम का फॉलो कहीं भी नहीं कर रहे हैं, और जो भी आते हैं कहीं चेक नहीं हो रहा है, और सीधे इनको क्वारंटाइन की जगह में जा कर के अपने आवास में जाते हैं, और कोई पालन नहीं किया जा रहा है, और दिन प्रतिदिन ये कोरोना का लगातार संख्या बढ़ते जा रहा है, और झारखंड सरकार सो रहे हैं। आज ये भयानक बीमारी और ये लोग तबाह हैं, उसको नहीं देखते हुए ये अफसर को तबादला कर रहे हैं। आज आप देखे होंगे कि जो अफसर साल भर से जिस जिला में है उसको अच्छी तरह अनुभव है कि कहां पर कैसे क्या करने से ये जिला को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन ये स्थिति में सरकार ने एसपी डीसी को तबादला कर रहे हैं, और ऐसे स्थिति में नया अफसर आएंगे तो काम करने में उनको कठिनाई होगी। मैं ये मांग करता हूँ नगर अध्यक्ष के नाते कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं, इसको लॉकडाउन जल्द से जल्द करें, ताकि ये भयावह ये बीमारी जो बढ़ करके लोग गरीब मरने जा रहे हैं उससे कम से कम रोकथाम हो सके। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।